झारखंड के पलामू में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थकों ने पलामू को अपने हाल पर छोड़ दिया। दिल्ली में उनके नेताओं को शायद यह भी नहीं पता होगा कि पलामू मानचित्र पर कहां है। अधिकांश दलित और आदिवासी ऐसे जिलों में रहते हैं, उन्होंने पलामू को पिछड़ा कहकर अपमानित किया। मैंने कहा कि यह अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये तथाकथित पिछड़े क्षेत्र के लोगों की भी आशाएं और अपेक्षाएं हैं। अधिकारियों को लगता था कि ऐसे क्षेत्रों में पोस्टिंग एक सजा है। पलामू में देश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक को नियुक्त किया गया है। केवल 14% लोगों के पास पक्के मकान थे, आज लगभग हर परिवार के पास पक्का मकान है। कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने पलामू को भी तो अपने हाल पर छोड़ दिया था। दिल्ली में बैठे इनके नेताओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहां है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी कोई अच्छा अफसर यहां आने को तैयार नहीं, ये हाल बना के रखा। आपने मुझे 2014 में सेवा का मौका दिया, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले हैं, यहां के लोगों के भी सपने हैं, यहां के लोगों की भी आकांक्षा है, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रहूंगा। पहले अफसर ऐसे जिलों में आने से डरते थे, अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए मुझे तैनात किया जाता था। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए, पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे, आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव-गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीब पक्का घर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग मिल सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं तीसरे टर्म में जब मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा उनका घर पक्का बना करके दे दूंगा। और आप लोग भी मुझे जानते हो नहीं जानते हो, आप मान लीजिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं, जाके गारंटी दे देना। आकांक्षी जिला ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहां 100 में से 80 परिवार
अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। ये भी आंकड़ा याद रखिए, 100 में से 80 परिवार अंधेरे में। आज पलामू के हर घर हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू की 100 में 3 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था, आज यहां हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है।